नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं एक नई बीमारी के बारे में बताऊंगा जो कि पुरुषों में देखने को मिलती है। दोस्तों ये बीमारी बहुत लोगों के पास होती है लेकिन वो इस बीमारी को न जानते हुए या अपने आप में शर्मिंदगी फील करते हुए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और अपना इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बीमारी है बरीड पेनिस या जिसे हिडन पेनिस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बरीड पेनिस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से बरीड पेनिस को पूरी तरह से कैसे ठीक किया जा सके, इसके बारे में मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको बरीड पेनिस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके और आप इसका ट्रीटमेंट लेके अपने जीवन को खुशहाल बना सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बरीड पेनिस और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानना चाहेंगे बरीड पेनिस क्या होता है। दोस्तों बरीड पेनिस को हिडन पेनिस भी कहा जाता है। दोस्तों जो पेनिस का जो साइज होता है वो तो रहता ही है लेकिन आपके जो ग्रोइंग एरिया है, जो प्यूबिक एरिया है, जो जेनिटल एरिया है, उसमें एक्सेसिव फैट हो जाने के कारण, एक्सेसिव फैट का ग्रोथ हो जाने के कारण या फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाने के कारण या आपके जो पेनिस के लिगामेंट है उसमें कहीं से फ्रिक्शन हो जाने के कारण उस पर से फैट का ओवरलेप हो जाता है जिसके कारण आपको पेनिस दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि उस पर एक चर्बी बहुत ज़्यादा जम गई है, चढ़ गई है, इसी को बरीड पेनिस कहा जाता है। इसके क्या कारण हैं? कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण आता है कि जो प्यूबिक एरिया है, जो जेनिटल एरिया है, वहाँ पे एक्सेसिव फैट का डिपोजिशन होने लगता है जिसके कारण आपका जो पेनिस है वो सिकुड़ के अंदर चला आता है। इसके कारण बरीड पेनिस हो जाता है। दूसरे कारणों की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को वेरिकोसील या हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, जिसके अंडकोश में जल संचय हो जाता है, पानी भर जाता है, उनके जो अंडकोश है बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उस कारण से आपका पेनिस का साइज छोटा दिखने लगता है जिसे बरीड पेनिस या हिडन पेनिस कहा जाता है। दोस्तों ये देखने में ऐसा लगता है कि आपको माइक्रो पेनिस हो गया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बरीड पेनिस ही होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कॉजेज की अगर हम बात करें तो आपके जो पेनिस के नसें होती है, लिगामेंट्स जो होती है, उसमें किसी भी प्रकार की ट्रॉमा या इंजरी हो जाती है, उस कारण से भी आपको ये हो सकता है। और लास्ट मेन इम्पोर्टेंट कॉज होता है कि अगर आपका सर्कमसीजन होता है, किसी भी व्यक्ति का अगर सर्कमसीजन होता है, तो उस कारण से भी आपको बरीड पेनिस की शिकायतें हो सकती है, समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कभी कभी इसमें आपको बर्निंग मिक्सचुरेशन होता है, यूरिन पास करने के समय जलन हो सकता है, दर्द हो सकता है और आपके अंडकोश का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको लो स्टेमिना की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्यूबिक एरिया में दर्द हो सकता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है जिसको लेने से बरीड पेनिस की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।
दोस्तों सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको बरीड पेनिस है, डॉक्टर्स आपका चेकअप करके आपको बताते हैं कि बरीड पेनिस है, तो उसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैल्केडिया कार्प 10 mg पोटेंसी में एक बूंद महीने में आपको लेनी है। इसके साथ साथ आपको एक और दवा लेनी है जिसे आप मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे, वो है साइडोनिया वल्गेरिस। दोस्तों साइडोनिया वल्गेरिस को मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह और शाम लगातार आप 1 से 2 महीने तक यूज कीजिएगा, तो आपकी ये कंडीशंस पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों दो दवा कैल्केडिया कार्ब 10 mg महीने में एक बूंद एक बार आपको लेनी है, और दूसरे दिनों से साइडोनिया वल्गेरिस मदर टिंचर आपको 10 बूंद सुबह शाम लगातार लेनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक्स्ट्रा डिपोजिशन, अगर फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो उस पर आपको कंट्रोल करना है। आपको फैटी चीज़ें नहीं खानी है जिसमें हाई फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, उसको यूज नहीं करना है। नियमित एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉकिंग करना है, ये सब करने से आपकी फैट में कमी आएगी और आपकी बरीड पेनिस की समस्या भी दूर हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बगल में शेयर का बटन है, आप इसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत